हेलो दोस्तों। सो बेसिकली ये वीडियो है HTML लैंग्वेज पे, जिसमें स्पेसिफिक इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। लिस्ट कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं कि HTML में लिस्ट टैग्स के यूज़ करके हम हमारे वेब पेज पे कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी HTML डॉक्यूमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें टाइप करना होता है HTML। HTML टैग हम यूज़ करते हैं, और इस HTML टैग को हम साथ ही साथ क्लोज भी कर देते हैं, स्मॉलर देन का साइन, हाइफन एंड ग्रेटर देन के साइन के यूज़ से। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा गैप कर देते हैं, बिकॉज अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे के यूज़ करता हूँ हमारा है टैग। हेड में हम हमारे पेज का मोस्टली टाइटल यूज़ करते हैं, हमारे पेज का टाइटल हम लिखते हैं। तो हम इस पेज को, वेब पेज बनाने जा रहे हैं, हम इस वेब पेज को टाइटल दे देते हैं HTML दिस। ओके, उसके बाद हम हमारे TITLE टाइटल टैग को बंद करेंगे। तो टाइटल टैग को बंद करने के बाद हम हेड टैग को बंद करेंगे, ठीक है। अब हेड के बाद हमने पढ़ा था कि हमें बॉडी टैग का यूज़ करना होता है। जो भी हमारा वेबसाइट के वेब पेज होता है, उसके ऊपर इमेजेस या डिज़ाइनिंग जो कुछ भी होता है, वो सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पी टैग। मेन हेडिंग हमारे पैराग्राफ की होगी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट। ये हमारे पेज की मेन हेडिंग होगी, और H1 को हम क्लोज करते हैं, और उसके बाद हम P को क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पैराग्राफ हमें लिखना है, जिसमें हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ आवर पहली लिस्ट। हम कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती हैं, जैसे ही वो लिस्ट बन के तैयार होगी, तो उनका कोई ऑर्डर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग का यूज करना है। आप देख रहे हैं यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म यूएल, यही टैग यूज होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या लिस्ट बना रहे हैं, उसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के जस्ट बाद हम लिस्ट टैग का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने अमित नाम लिखना है, और मैं इस टैग को बंद कर देता हूँ। सेकेंड में, जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड लिस्ट में मुझे यहाँ पे अमन लिखना है, और सेकंड लिस्ट को भी मैं बंद कर देता हूँ। थर्ड लिस्ट में मुझे यहाँ पे राजीव लिखना है, और मैं थर्ड लिस्ट को भी बंद कर देता हूँ। ये तरीका था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में तीन लिस्ट बना दी हमने, ठीक है। तीन लिस्ट बनाने के बाद अब हमारा सबसे लास्ट काम क्या होगा, कि ये जो यूएल टैग स्टार्ट किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट का, हमें इसको बंद करना है। मैंने बंद कर दिया है, और इसके बाद हमें हमारा बॉडी टैग बंद करना है, और हमारा HTML टैग हमने ऑलरेडी बंद किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। HTML हेडिंग में हमने HTML लिस्ट हेडिंग डाल दी, बॉडी पार्ट में हमने पैराग्राफ और एक हेडिंग डाल दी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट। अब इस एग्जाम्पल एग्जाम्पल वर्ड को, फॉर एग्जाम्पल, हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बी टैग, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे हम। अब क्या होगा, जो भी हमारी हेडिंग आएगी, इसमें एग्जांपल एग्जांपल वर्ड जो है वो बोल्ड हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी हो जाए, तो हम आई टैग का यूज करेंगे, और इधर आई टैग को कर देंगे क्लोज। अब ये एग्जांपल वर्ड जो है, ये इटैलिक भी हो जाएगा और बोल्ड भी हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि इसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाए, तो यू टैग का यूज करके हम इसके नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारी लिस्ट कैसे तैयार होती है। इसको हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, देखते हैं कि क्या बन के दिखता है हमें। ये देखिए HTML लिस्ट, हमारा जो वेब पेज है, HTML लिस्ट हमारा टाइटल है, हमने जो टाइटल दिया था, ये देखिए यहाँ पे टाइटल हमने दिया था HTML लिस्ट, HTML लिस्ट आ गया है। फिर हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग जो डाली थी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, और एग्जाम्पल के दोनों तरफ अपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों टैग्स का यूज किया था। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल वर्ड जो है वो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, और उसके नीचे अंडरलाइन भी आई है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की, क्योंकि हमारा टॉपिक तो लिस्ट का है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट है अमित, अमन, राजीव, ये तीनों अमित, अमन, राजीव तीनों आ गए हैं। लेकिन तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों जो है वो अनऑर्डर्ड में है, ये
ये सिर्फ यहाँ पे सर्कल के अंदर ब्लैक कलर का एक सर्कल है, डॉट है, और कुछ नहीं है। लेकिन इसको बोलते हैं डिस्क, DISC, डिस्क बोलते हैं इस ब्लैक सर्कल को। अब इस ब्लैक सर्कल की जगह पे हमें स्क्वेयर लगाना है, या यहाँ पे हमें सर्कल लगाना है, या फिर इस लिस्ट को हम एज इट इज छोड़ना चाहते हैं, हमें इनके आगे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। जो ये यूएल टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसको क्लोज करने की जगह पे इसमें यहाँ पे स्पेस दो, लिखो STYLE स्टाइल, क्योंकि हम स्टाइल बदल रहे हैं हमारी लिस्ट का, इज इक्वल टू और डबल कोट, डबल कोट के अंदर लिखते हैं हम लिस्ट स्टाइल टाइप कोलन, और फॉर एग्जांपल स्क्वेयर एंड डबल कोट, और अब हम कंट्रोल एस से इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे पहले सर्कल था अमित अमन राजीव के आगे, अब यहाँ पे स्क्वेयर आ चुका है। अब यहाँ पे हम स्क्वेयर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे सर्कल लिख के और फिर कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो आपको देख सकते नाम के आगे सर्कल आ गया। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आवर अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं हमारे लिस्ट के आगे। और यहाँ पे अगर मैं सर्कल की जगह पे NONE नन का यूज करके कंट्रोल एस और फिर यहाँ पे जब रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से तीनों गायब हो चुके। ये तरीका था अनऑर्डर्ड लिस्ट का। नेक्स्ट इससे आगे हम देखते हैं हमारी, एक सेकेंड, ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी मैं एज इट इज रहने देता हूँ और इसके आगे एक काम करते हैं, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं यूएल के आगे से, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी वहीं रहने देते हैं ताकि अचानक से समझ में आ जाएगा। अब शुरू करते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म OL है, और OL टैग के लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग यूज होता है, ठीक है। अब OL टैग में हमने जो लिखना है, जो लिस्ट बनानी है, उसका टाइप हमें देना है डबल कोट आई, डबल कोट एंड क्लोज। आई का क्या यूज है अभी मैं आपको बताऊंगा, जस्ट आप देखोगे और आप समझ जाओगे। वही LI टैग का यूज करेंगे हम, और सेम लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम लिस्ट को मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैं LI टैग को बंद कर देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, हमारे OL टैग को क्लोज करना है, ठीक है। कंट्रोल एस और चल के देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं हमारे वेब पेज पे। ये देखिए हमारी दूसरी लिस्ट, जो ऑर्डर्ड लिस्ट हमने अभी बनाई है, वो लिस्ट हमारी इसके बिल्कुल साथ बन के आ गई है। तो ये आई का यूज, यहाँ पे स्मॉल आई का यूज क्या था कि I123 ये जो रोमन में लिखे हुए हैं इस तरीके से आ जाते हैं, आई की जगह पे अगर आप वन कर देते हो और कंट्रोल एस करके फिर अपने वेब पेज को चेक करते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे 123 लिखा आ गया। इस वन की जगह पे यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल ए टाइप करते हो और फिर कंट्रोल एस करते हो और अपने वेब पेज का अगर रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ABC यूज होगा। ये तो है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऊपर वाली हमारी अनऑर्डर्ड, जिसमें हमें नहीं पता नंबरिंग क्या है, नीचे वाली है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हमें पता है ऑर्डर में लिखे हुए हैं नाम के, नाम हमारे सारे के सारे जो नाम है। उसके बाद आती है आपकी तीसरी लिस्ट, जो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैं तीसरी लिस्ट इस ओएल के जस्ट नीचे स्टार्ट करता हूँ, जो कि है DL बोले तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने LI टैग का यूज किया था शो करने के लिए लिस्ट को, बट DL या डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग में हम जो यूज करते हैं वो पहले यूज करते हैं हम DT का, DT टैग का, जिसमें हम लिखते हैं इंडिया और DT टैग को करते हैं क्लोज। DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। और डिस्क्रिप्शन टेस्ट की डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम यूज करते हैं DD का, क्योंकि तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन आप किस चीज को बोलते हो कि पहले आपके पास कोई एक हेडिंग हो, फिर उस हेडिंग के बारे में कुछ बताया गया हो, फिर दूसरी हेडिंग हो, फिर उसके बारे में कुछ बताया गया हो, दैट इज व्हेन वी आर गिविंग एनी डिस्क्रिप्शन टू एनीथिंग, तो हम DD का यूज करते हैं। इज ए ग्रेट कंट्री, एंड DD टैग को कर देंगे बंद, एंड इसके बाद हम एक और DD देते हैं, एक और हेडिंग देते हैं जिसमें हम लिखते हैं USA, और हम कर देते हैं DD टैग को बंद,
उसके बाद हम यूज़ करते हैं फिर से डी डी टैग का। यूएसए के बारे में बोलते हैं हम, काफ़ी एडवांस कंट्री है, और हम कर देते हैं यहाँ पे डी डी टैग को क्लोज। यहाँ पे हम डी एल टैग को बंद करते हैं, कंट्रोल एस, और आप देखते हैं हमारे वेब पेज पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ पहले तो। ये देखिए, ये हमने क्या दिया था, इंडिया हमने दिया था डी डी की हेल्प से एक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, फिर हमने इंडिया के बारे में बताया इट इज़ ए ग्रेट कंट्री विद द हेल्प ऑफ डी डी टैग। लेकिन आप देख सकते हो कि हमने ये जो डी 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 एल टैग है ये बिल्कुल दूसरे के नीचे यूज़ किया है, फिर भी इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री जो लाइन है वो साइड में ही है, बिकॉज इस इंडिया जो हमने लिखा था डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ये नीचे जो लिखा है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन ऑलवेज कम्स ए लिटल बिट इन द राइट साइड ऑफ ए डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, हमेशा थोड़ा सा राइट में आता है। फिर हमने यूएसए लिखा और फिर यूएसए के बारे में एडवांस कंट्री यूएसए के बारे में हमने लिखा। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट लिस्ट इन एचटीएमएल। और फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल टैग से, उसके बाद हमें हेड पार्ट स्टार्ट करना होता है पेज का, जिसमें हम हमारे पेज का टाइटल लिखते हैं। फिर उसके बाद हमें बॉडी टैग स्टार्ट करना होता है, जिसमें पैराग्राफ की फॉर्म में हमने पहली हेडिंग डाल दी। हेडिंग में हमने एक ऐसा वर्ड चुना जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों टैग एक ही वर्ड में हमने यूज़ करके देख लिए, सीख लिए। फिर उसके बाद पैराग्राफ टैग, उसके बाद अंडरलाइन, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, अंडरलाइन अनऑर्डर्ड लिस्ट, पहले हमने लिस्ट बनाई, फिर हम स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट, लिस्ट का स्टाइल क्या है, टाइप क्या है, नन, हमें कोई नहीं चाहिए। उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने ए बी सी 1 2 3 एंड रोमन में 1 2 3 करके देख लिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने देख लिया कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये था आपका लेक्चर विद द टॉपिक ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल, और आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ।